दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रोटेस्ट आज HRD मिनिस्ट्री के सामने पहुंचा। हम इस वक्त दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने खड़े हैं, जहां की HRD मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दफ्तर है। यहां पे सड़क पे स्टूडेंट्स ने ये मैसेजेस लिखे हैं। कल शायद जब HRD मिनिस्टर अपने दफ्तर जाएंगे, उन्हें भी ये मैसेजेस दिखाई देंगे, जिसमें कि JNU के VC को सैक करने की मांग भी है और साथ ही ये मांग है कि शिक्षा सभी के लिए मुफ्त होनी चाहिए। Was been imposed by the administration to the students. Yeah. Yeah, it has been a long time, but then the administration hasn't taken any heat regarding this, and we are not happy with that. My name is Vicky Mandu. मैं ये animals welfare officer हूँ, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के director हूँ मैं। और ये JNU से मेरे मैं पूर्ण सहयोग देना चाहती हूँ, जिसके उचित माध्यम में आए students जो देश की एक गरिमा है, जो देश को आगे बढ़ाना है। जो PM साहब कहते हैं कि चंद्रयान 2 तक ये वैज्ञानिक जो पहुँचे हैं, जब तक स्टूडेंट्स आगे नहीं पढ़ेगा, उसको मैच्योर तरीके से पढ़ाया नहीं जाएगा, उसके इतना उस पर दबाव क्यों डाला जा रहा है। अगर मिनिमम तरीके से उनको फीस डेवलपमेंट करनी है तो उसको कहिएगा, अधिक से अधिक करेंगे। कोई गरीब तबके का जो है आगे नहीं बढ़ा पाएगा और अंधकार में देश चला जाएगा। हर जगह जो है पढ़ाई की तरीका होता है, मैनुअल तरीके से उसको चार्ज कीजिए, ये नहीं कि चार गुना उसको आगे बढ़ा दिया है और कोई भी गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। PM साहब को खुश सोचना चाहिए, देश का अंधकार बना हुआ जा रहा है, जिसमें आगे तरक्की कहाँ से हो पाएगी। स्टूडेंट्स JNU के जो कि वर्ल्ड में नंबर वन यूनिवर्सिटी है, और इसी यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ने के बाद देश को तरक्की मिलती है। यहाँ पे भारी पुलिस तैनाती के बीच में स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं। पूरी सड़क को बैरिकेड लगा के कॉर्डन कर दिया गया है, लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।